तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं उनका। पर अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश के ही लोग यहाँ पर आ रहे हैं और बिहार के नौजवान लोग खाक छान रहे हैं? ये तो शर्म की बात है, उनको शर्म आनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूँ रचा शर्मा। बिहार में एक तरफ जहाँ 2 नवंबर को बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित शिक्षकों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षक नियुक्ति को लेकर बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। शिक्षक नियुक्ति में अब अन्य राज्यों के साथियों के चयन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। मंगलवार को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि हम के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर करारा तंज कसा। जीतन राम मांझी सिर्फ इतने ही पर नहीं रुके, उन्होंने आगे इशारों इशारों में कहा कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी इसको लेकर जिम्मेदार है। दरअसल जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मंगलवार को चयनित शिक्षकों के लिए एक लिस्ट जारी की, जिसमें अधिकांश जो छात्र थे वो यूपी से थे। अब इसमें ही इशारों इशारों में उन्होंने ना सिर्फ तंज कसा बल्कि बड़ा सवाल भी उठा दिया। जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा, आपसे अच्छे तो बड़े भाई थे, जमीन लेकर भी सही, कम से कम नौकरी तो बिहारियों को दी। आप भी नौकरी देने के नाम पर नौकरी बेच देते। अब जीतन राम मांझी के इसी बयान इसी पोस्ट को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने गया जिले की एक लिस्ट को शेयर करते हुए ये साबित करने की कोशिश की कि जो कैंडिडेट्स हैं वो यूपी से ज्यादा हैं, बिहार से कम। ऐसे में वो सवाल उठा रहे हैं कि बाहरी को मौका और बिहार के छात्रों के साथ धोखा क्यों हुआ। अब इसी सवाल को लेकर बिहार की सियासत में बवाल मच गया है। सवाल इस बात को लेकर भी कि आखिर डोमिसाइल नीति को लागू क्यों नहीं किया गया, जबकि इसको लेकर सरकार ने अपनी रणनीति पेश की थी। बिहार के ऐसे तमाम अभ्यर्थी हैं जो इस बार नौकरी से वंचित रह गए और उन्हें नौकरी नहीं मिली, लेकिन यूपी वाले आकर बिहार में काम भी करेंगे और बिहार सरकार से पैसे भी लेंगे। ऐसे में अब जीतन राम मांझी ने ये बड़ा सवाल उठाया और इसके साथ ही ये कहा है कि कहीं ना कहीं इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। लेकिन जीतन राम मांझी यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ना सिर्फ नीतीश कुमार पर निशाना साधा बल्कि लालू प्रसाद यादव को भी लेकर एक बड़ा तंज कस दिया। उन्होंने ये कहा कि इससे अच्छे तो बड़े भैया यानी कि लालू प्रसाद यादव थे, कम से कम उन्होंने नौकरी बेची तो सही। कहने का मतलब ये कि लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव को लेकर ये सवाल जीतन राम मांझी ने उठाया, जब लालू प्रसाद यादव पर ये आरोप लगे कि उन्होंने नौकरी के बदले जमीन की डिमांड की। अब जीतन राम मांझी यही कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने कम से कम जमीन ली भी तो नौकरी तो बिहारियों को दी, लेकिन नीतीश सरकार में ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये सरकार पर सवालिया निशान खड़ा करती है। अब इसको लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार का अगला टेक क्या होगा, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी खुद ये कह रहे हैं कि इस एग्जाम में फर्जीवाड़ा हुआ है। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ये आरोप लगा चुके हैं कि उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया था, फिर भी इस एग्जाम में वो क्वालिफाइड है। कई का ये कहना है कि उन्होंने बीएड किया था जबकि बीएड वाले पात्र नहीं थे, फिर भी वो क्वालिफाइड हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार इस पे आगे क्या कुछ स्टैंड लेती है। बहरहाल बिहार में मुख्यमंत्री बनाम पूर्व मुख्यमंत्री की लड़ाई इसी मामले को लेकर जरूर देखने को मिल रही है। आपको इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।